सच में श्रिया शरण नहीं होंगी फिल्म का हिस्सा? किस एक्ट्रेस ने ऑन स्क्रीन मां बनने से किया इनकार? कौन है मेकर्स की आखिरी उम्मीद? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक साउथ की फिल्म दृश्यम 2 का इसी नाम से हिंदी रिमेक बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने मलयालम की इस फिल्म के हिंदी राइट्स भी खरीद लिए हैं। फिलहाल फिल्म की कहानी में कुछ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। शूटिंग को सितंबर में मुंबई में ही शूट किया जाएगा। हालांकि मेकर्स चाहते हैं कि इसे जल्द ही शुरू किया जाए, ताकि कोविड की तीसरी लहर आने से पहले फिल्म की शूटिंग खत्म हो सके। 2015 में आई दृश्यम में अजय देवगन ने मेन लीड हीरो का किरदार निभाया था और उनके ऑपोजिट श्रिया शरण दिखी थी। उसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि सीक्वल में भी इन दोनों की ही जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आई कि श्रिया शरण इस फिल्म में नहीं होंगी। यहाँ दरअसल श्रिया फिलहाल अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी चल रही हैं, जो कोविड की वजह से अटक गए थे। इसी के चलते वो अपने डेट दृश्यम को नहीं दे सकती हैं। आपको बता दें, श्रिया के पास इस समय 2 साउथ की फिल्में और 2 मराठी फिल्में हैं, जिसकी शूटिंग अभी बाकी है। जिस तरीके से मेकर्स चाहते हैं कि सितंबर में ही दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू हो जाए, इसी कारण की वजह से श्रिया मेकर्स को बीच में अटकाना नहीं चाहती और इसीलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। खैर, फिल्म मेकर्स ने उनके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें तमन्ना भाटिया और शिफाली शाह का नाम टॉप पर है। जहां एक तरफ तमन्ना ने रोल को ठुकरा दिया है, तो वहीं शिफाली से बात करना भी बाकी है। जी हां, तमन्ना ने फिल्म करने से मना कर दिया, जिसका रीजन ये था कि वो ऑन स्क्रीन किसी की माँ का किरदार नहीं निभा सकती। अब हम तो ये कहेंगे कि ये तो सोच सोच की बात है, क्या पता फैंस आपको इस किरदार में देखकर और खुशी हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में कीर्ति सेनन की फिल्म मिमी को भी रिलीज किया गया था, जिसमें कीर्ति ने ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाया था और हर तरफ से उनकी काफी सराहना हुई थी। उनके इस किरदार को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी सोच अब वक्त के साथ बदल रही है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि तमन्ना भाटिया भी अपनी ये पुरानी सोच बदल दे। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किसे देखना चाहते हैं दृश्यम 2 में फीमेल लीड के तौर पर। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।